कानपुर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यायिक जांच के लिए गठित जांच आयोग के सदस्य रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल ने सोमवार की दोपहर बिकरू गांव पहुंच गए। यहां पर वो घटनास्थल का मुआयना करने के बाद गांव के लोगों से बातचीत कर हकीकत जानने की कोशिश भी की। जस्टिस शशिकांत ने बिकरू गांव में विकास दुबे के घर के मलबे को देखा। इसके बाद उन जगहों पर गए जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। अधिकारियों ने वो घर भी दिखाया जहां से 2 जुलाई की रात फायरिंग हुई थी। इसके बाद गांव वालों से बातचीत की और घटना वाली रात और विकास दुबे के आपराधिक इतिहास की जानकारी ली। जस्टिस के हाथ में एक ब्लैक कलर की डायरी थी जिसमें शूटआउट से जुड़ी कुछ जानकारियां वो पढ़ रहे थे, जिनका जवाब डीएम और एसपी की तरफ से दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद वो विकास दुबे के एनकाउंटर वाले स्पॉट की भी मुआयना करेंगे। बिकरू कांड के बाद मोस्ट वांटेड विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाने और उसकी मौत से कई रहस्यों के दबाए जाने के आरोप लग रहे हैं। इन सबके बीच राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से जांच आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत रिटायर्ड न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया, जिसका मुख्यालय कानपुर में बनाया जाएगा। बता दें कि कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे के एनकाउंटर की सीबीआई या एसआईटी जांच को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए बोपन्ना भी रहेंगे।